नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्य प्रदेश की जो वेबसाइट है उससे आप खुद अपना खसरा और B1 कैसे निकालें या उसकी जानकारी आपको प्रिंट आउट पर चाहिए। आप डायरेक्ट वहाँ से आप अपने खसरा नंबर का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, नक्शा निकाल सकते हैं, B1 निकाल सकते हैं। ठीक है किसान भाई, तो आप जुड़े रहें हमसे, वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप नए किसान भाई हैं जिन्होंने पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है किसान भाइयों, तो आज के वीडियो में आगे हम चलते हैं, आप जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक देखें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है, या तो आप MP लैंड रिकॉर्ड से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आप लैंड रिकॉर्ड MP लिखते हैं तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा, जैसे कि सबसे पहले लिखा रहा है लैंड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश, तो ये पुरानी वेबसाइट है, यहाँ पर नहीं जाना है आपको। ये जो दिख रहा है mpbhooabhilekh.gov.in, इस पर जाना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आयुक्त भू अभिलेख की वेबसाइट ओपन हो गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि होम, पब्लिक यूज़र, फ्री सर्विसेज, रिपोर्ट्स, ग्रेवियंस, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो फ्री सर्विसेज है ये बिल्कुल फ्री सर्विसेज है, नक्शा, B1 और आप अपना खसरा देखना चाहते हैं कि आपकी डिटेल्स क्या है उसमें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको फ्री सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। फ्री सर्विसेज में क्लिक करने पर यहाँ पर आपको निःशुल्क सेवा नियंत्रण पटल जो है वहाँ पर आपको सामने दिख रहा है। इसमें जो सर्विसेज है वो खसरा, B1, नक्शा प्रतिलिपि आप निकाल सकते हैं, भू नक्शा देख सकते हैं, गांव की सूची देख सकते हैं, प्रतिलिपि जो फोटोकॉपी होती है या डुप्लीकेट होता है उसकी कॉपी के लिए आप आवेदन पत्र यहाँ पर मिल सकता है आपको। खसरा B1 के लिए आवेदन, डाटा परिमार्जन रिपोर्ट जो होता है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। डाउनलोड्स में आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप डाउनलोड्स कर सकते हैं, जैसे एडोब रीडर हो गया, जावा हो गया, तो ये चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम में ज़रूरत है तो। ठीक है किसान भाई, तो आज चलते हैं हम खसरा, B1 और नक्शा कैसे देखना है आपका। ठीक है, तो किसान भाई जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फ्री सर्विसेज पर क्लिक करना है। फ्री सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद खसरा, B1, नक्शा प्रतिलिपि के लिए अगर आवेदन हम देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको विवरण ओपन हो जाएगा। अब विवरण में आपको क्या क्या डिटेल भरनी है, जैसे मान लीजिए आप किस ज़िले का देखना चाहते हैं, जैसे मैं नीमच ज़िले का देखना चाहता हूँ तो मैं नीमच ज़िले के लिए नीमच सेलेक्ट करूँगा। तहसील, मेरी तहसील जो है नीमच वो सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको तहसील जो क्षेत्र है वो सिलेक्ट करना है नीमच, फिर पटवारी हलका आपका जो किस हलके में आता है आपका गांव वो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर गांव कौन सा है वो गांव सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए 3 नंबर हलका जो है उसमें इतने सारे गांव आते हैं, तो उसमें से मान लीजिए मैं इस गांव को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने इस गाँव को सिलेक्ट करा, यहाँ पर 2 ऑप्शन मांगता है कि आप भूस्वामी से सर्च करना चाहते हैं, खसरा संख्या से, तो यहाँ से आप खसरा संख्या से भी सर्च कर सकते हैं। और भूस्वामी में अगर आप नाम से सर्च करना चाहते हैं तो भूस्वामी पे क्लिक करके आप अपने नाम से भी सर्च कर सकते हैं। मैं खसरा संख्या से सर्च कर रहा हूँ। अब यहाँ पे खसरा संख्या, इस पटवारी हलके में जितने भी खसरे हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आ गई है। मान लीजिए मुझे इस खसरा संख्या को देखना है, जैसे 84 को मुझे देखना है, तो मैं 84 सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ये कैप्चा कोड जो मांगता है वो कोड यहाँ पर डालना है, हमें जो लिखा हुआ है वो कोड यहाँ डालना है। और उसके बाद विवरण देखे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही विवरण देखे पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पर ये डिटेल ओपन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए भूस्वामी का नाम क्या है, माधुलाल, पिता मांगीलाल, खसरा नंबर ये आ गया है, ये कुल ज़मीन कितनी है हेक्टेयर में वो आ गया है। अब इसका तीनों चीज़ें यहाँ पर शो कर रहा है, आपको क्या देखना है, इस खसरा नंबर का आपको क्या डिटेल चाहिए, खसरा चाहिए, B1 चाहिए या नक्शा चाहिए। मान लीजिए मुझे खसरा चाहिए, तो मैं खसरा पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर एक PDF ओपन हो जाएगा, मध्य प्रदेश कंप्यूटरीकृत भू अभिलेख फॉर्म P। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सर ये जो डिटेल है ये केवल आपके देखने के लिए होती है। अगर आपको ये सत्यापित कराना है तो उसके लिए आपको लोक सेवा केंद्र से आप निकलवा सकते हैं या फिर आप खुद भी निकाल सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर वाली कॉपी। उसके लिए मैं अगला एक वीडियो बना दूंगा,
जिसमें आपको आप खुद अपने घर बैठे कैसे डिजिटल सिग्नेचर वाली नकल, खसरा या B1 निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप अगले वीडियो को देख लीजिएगा, मैं अगला वीडियो बना के आपको उपलब्ध करा दूंगा। फिलहाल ये अगर आपको केवल जानकारी के लिए देखना है तो जानकारी के लिए आप ये खसरा नंबर यहाँ से देख सकते हैं। साथ में अगर आपको मान लीजिए B1 चाहिए तो B1 पर क्लिक करेंगे तो इसका B1 भी आपको मिल जाएगा। ठीक है किसान भाइयों, ये देखिए ये B1 आ गया है, इसमें आप पूरी डिटेल देख पाएंगे। बस ये है कि ये जो है ये पेंडिंग है डिजिटल सिग्नेचर के लिए, ये किसी भी न्यायालय के कार्य में काम में नहीं आ सकता है। अगर आपको किसी न्यायालय के कार्य के लिए खसरा चाहिए या B1 चाहिए तो उसके लिए मैं आपको एक अगला वीडियो बना के उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें आपको एक पब्लिक यूज़र क्रिएट करना पड़ता है। आप जैसे ही एक पब्लिक यूज़र क्रिएट करेंगे, यहाँ आप अपने नाम से पब्लिक यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र क्रिएट करने के बाद में आगे की प्रोसेस क्या रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है किसान भाइयों, तो जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों।